क्लास को, क्लासेस को और ऑफिस को और पर्सनल लाइफ को मैनेज करना होता है। इवन दो दैट बीइंग सेड, मेरा खुद भी बड़े इश्यूज थे, ऑब्वियसली बात है हर किसी के इश्यूज होते हैं, लेकिन जो मैंने चीजें सीखी हैं अपने उसमें जो ऑडिट के टेन्योर में, वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड ओवरहेड है या वेरिएबल ओवरहेड? इट्स नॉर्मली, इट्स यूजुअली फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, यूजुअली इट्स फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि ये या तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे होता है या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड पे होता है, तो ये दोनों जो है हम फिक्स्ड ओवरहेड की सेंस में लेकर जाते हैं। हाँ, अगर आपको स्पेसिफिकली इन्होंने क्वेश्चन में बताया हो कि डेप्रिसिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, याद है ना, यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड भी था है ना, या मशीन आवर्स वर्क मेथड भी था, तो फिर वो वेरिएबल में आएगा कि वो एक्टिविटी लेवल के हिसाब से होता है। नहीं जी, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिर तो नहीं होगा ना बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो वो कहता है कि फिक्स्ड है। इवन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी फिक्स्ड उसमें जाएगा, लेकिन वो एक्टिविटी लेवल के बेसिस पे तो चेंज नहीं होती ना अरसलान। वेरिएबल एक्सपेंस क्या होता है? जो के एक्टिविटी लेवल्स के साथ वेरी करे, और एक्टिविटी लेवल आपके नॉर्मली क्या होते हैं? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, आवर्स वर्क, यस और नो, है ना? तो मुझे बात बताइए, क्या स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपके यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से की वजह से फ्लक्चुएट होते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड स्पेसिफिकली नहीं, उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, तो आपने उसका देखना है ना नेचर। हाँ, अगर आवर्स वर्क मेथड या यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड के बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही, फिर वो वेरिएबल पर आएगा, तो वो तो स्पेसिफिकली अगर मेंशन किया हुआ है उसने, तो फिर हम देखेंगे ना उसको। चले जी, सबसे पहला काम तो ये, मैंने आपको एक डेडलाइन दी हुई थी आज की, और वो किस चीज के लिए थी? वो इस काम के लिए थी जो आपका आखिरी होम असाइनमेंट था, किसका? ओवरहेड्स का। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। मोशन रजा आपका मोस्ट प्रॉब्ली एम में आएगा, उसको देख लेते हैं। और जिस स्टूडेंट ने नहीं सबमिट कराया होगा, ही और शी विल बी डिसमिस्ड विदाउट एनी डिस्कशन एट ऑल। आकिफ ने सबमिट करा दिया है, अब्दुल्ला मुनीर ने सबमिट करा दिया है, एमएन ने सबमिट करा दिया है, अनस सलीम। हाँ जी, सोच तो मैं ये रही थी कि मैं डिस्कशन नहीं करूंगी। जी जनाब, किधर है आपका होम असाइनमेंट? अनस, अनस आर यू देयर? अपलोडिंग इश्यू, आप मुझे व्हाट्सएप करें फौरन से। हाँ व्हाट्सएप करें फौरन। कर सकते हैं फौरन से व्हाट्सएप? ठीक है, आई एम वेटिंग। अरसलान, सर्वर, इज दिस यू? आसिफ हुसैन, आयशा खालिद, सबमिटेड, दिलशाद खान। जी जनाब, दिलशाद खान किधर है आपका होम असाइनमेंट? सॉरी, क्या फॉर व्हाट? चलें जी, दिलशाद आज वाला लेक्चर फिर आप कवर कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग के थ्रू। ठीक है, आगे फैजान है नहीं, फरजीन ने सबमिट करा दिया है, हमदान राशिद, होम असाइनमेंट किधर है? हमजा इमरान ने मुझे सबमिट करा दिया था, हसनैन ने सबमिट करा दिया है, हसन जावेद ख्वाजा, ये दो नाम मैं काफी टाइम के बाद पढ़ रही हूँ, मोहम्मद अहमद, अच्छा जी ऑफलाइन हो गए हैं, मोहसिन रजा ने सबमिट करा दिया, बेहतरीन हो गया, मोहम्मद बिलाल साहब किधर है होम असाइनमेंट? मोहम्मद शाहरुख ने सबमिट करा दिया है, मुनीबा ने सबमिट करा दिया है, समरा ने करा दिया है, सना ने करा दिया है, शबनम ने करा दिया है, शाहजेब ने करा दिया है, सुंदस ने करा दिया है, जैनब ने करा दिया है।
जनाब, अब जिनके नाम मैंने रीड आउट किए हैं, जिन्होंने नहीं सबमिट कराया, फर्स्ट क्लास है आपकी, कल तक अपलोड कर दूंगा। असाइनमेंट कंप्लीट है, बस अभी अपलोड करता हूँ। अच्छा जी हमदान, सबमिट नहीं अब किया हो रहा, आपको भेज दिया। अच्छा जी, फर्स्ट क्लास है हसन जावेद की, ड्यू टू ऑफिस वर्कलोड। तो कब इरादे हैं करने के, मतलब ऑफिस के वर्कलोड की वजह से फिर तैयारी कब होगी आपकी, ये मुझे बता दें। फिर अगर अभी ऑफिस का वर्कलोड है तो फिर आगे क्या होगा, मुझे ये बता दीजिए बस। और इसमें मैंने कितना टाइम दिया था, एक तो पिछला वीकेंड पूरा, ये सारा जो रिजल्ट वाला गया, हफ्ता हो गया और नहीं आप लोगों ने कवर किया। क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस? मुझे आज रात तक जिन्होंने कहा है अपलोड कर देंगे, अगर आज रात तक लिस्ट ना लगी, मंडे को क्लास में आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मंडे को फिर आपको मैं स्टार्ट में ही डिसमिस कर दूंगी। इज दैट क्लियर? जिन लोगों ने सबमिट नहीं कराया, नहीं लेक्चर्स कवर किए, मेरा मुझे क्या चाहिए, आई नीड योर होम असाइनमेंट्स एंड दैट्स इट। आई नहीं, और ये होम असाइनमेंट्स में क्यों इतना ज्यादा फोकस कर रही हूँ उनके ऊपर, ताकि आप लोगों की तैयारी भी साथ साथ होती रहे। इज दैट क्लियर? मंडे को फिर आपने आना ही नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। मंडे को फिर मैंने कोई इफ एंड बट नहीं दे लेना, देख देखना ऑफिस था, कोई और चीज थी, अनलेस ऑब्वियसली बात है कोई बहुत ही वैलिड रीजन हो। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। तो कल मैंने आप लोग को एक छोटी सी एग्जाम्पल लिखवा ली थी, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। जरा इसको पहले रीड कर लेते हैं। यहाँ पे पोजीशन क्या है, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपको 3 सालों की इन्फॉर्मेशन दी गई है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं, यूनिट्स सोल्ड हैं, ठीक है। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड ये एक्चुअल है, क्या आपने एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने इनकर किए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में, ठीक है। फिर उसके बाद फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड आपको बता दिए गए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के कितने थे। फिर यहाँ पे आपको जो वेरिएबल चीजें हैं, जो वेरिएबल कॉस्ट हैं, वो आपको पर यूनिट दे दी गई हैं। और ये बात मैं आपको पहले भी लिखवा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जो बजटेड है वही एक्चुअल भी होते हैं। वेरिएबल के केस में इतना ज्यादा वेरियंस नहीं आता। जब हम ओवरहेड्स की बात करते हैं, ओवरहेड्स में भी जो ओवर और अंडर अप्लाइड का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे हमारा एक्चुअल डिफर करता है फ्रॉम व्हाट शुड एक्चुअली बी, है ना, हमारा जो एक्चुअल ओवरहेड है वो कितना डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट शुड एक्चुअली बी अकॉर्डिंग टू दैट एक्चुअली एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, वो डिफरेंस आ रहा होता है बेसिकली फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से, ठीक है। आपको बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स दे दी, आपको बजटेड प्रोडक्शन दे दी कि कितनी है। रिक्वायर्ड क्या है, पहले हम इसको जरा सॉल्व करने जा रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट फॉर द 3 ईयर्स यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। अब इसको हम स्टार्ट करने लगे, बस पहले एक चीज अपनी एक वर्किंग थ्रू छोटी सी कर लेते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए जरा हम पहले देख लेते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग पहले हमें करनी है। मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या क्या चीजें आनी है, ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और साथ वेरिएबल एफओएच ओनली, यस और नो, है ना। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आपकी आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना, है ना। और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस तो वैसे भी नहीं बनते, है ना, दीज आर नॉट योर प्रोडक्ट कॉस्ट, यस और नो। सेलिंग एक्सपेंसेस तो आपकी वैसे भी पीरियड कॉस्ट है, ठीक है जनाब। तो प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर सिर्फ क्या चीज आएंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एफओएच, प्रोडक्शन ओवरहेड। चलें जी, तो मेरे पास अगर कोई मेरे से पूछे इन्वेंटरी की वैल्यूएशन के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे बैच वाइज इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है ना, इन्वेंटरी की प्रोडक्शन की इन्होंने आपको बैच वाइज नहीं दी हुई कि भाई किस तरीके से आप फिनिश गुड्स आपने कौन सी डेट पे कौन से प्रोड्यूस किए, इसने पूरे साल की आपको इकट्ठी इन्फॉर्मेशन दे दी है यूनिट्स प्रोड्यूस। तो फीफो या वेटेड एवरेज का तो मसला वहां पर आता है जब आपके पास बैचेज बैचेज में इंफॉर्मेशन दी हुई हो, यस और नो, कि
कि अब हमें फीफो अप्लाई करना है या वेटेड एवरेज अप्लाई करना है क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए, तो यहाँ पे तो वो कोई स्यापा है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे आपको एक ही जो है वो बैच की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जी हमने 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं साल पहले साल में, राइट। तो कोई इश्यू मसला है ही नहीं उसमें, हम एक ही तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी इन्वेंट्री की फिगर की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं, स्नैन सब समझ में आ जाएगा। तो आपके पास कितनी अमाउंट आती है, 1075, यस। ये आपकी बन जाती है क्या, ये आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, पहले हम मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो मेरी है 22 रुपीज पर यूनिट। ये मैं क्यों कैलकुलेट कर रही हूँ, टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की फिगर निकालने के लिए कितनी है फिगर, अमाउंट कितनी है कॉस्ट या वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक कितनी होगी। मैं ये ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि नॉर्मल सिनेरियो में लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी में लोअर कॉस्ट ही आती है ना। तो हम कॉस्ट को लेकर चलेंगे, एनआरवी की इन्फॉर्मेशन तो आपको गिवन ही नहीं है। चले जी, अब हम किस पे आते हैं, इनकम स्टेटमेंट अब हम बनाने जा रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट जो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से बनेगी, कल मैंने आपको इसका फॉर्मेट भी लिखवा दिया। तो हमने किससे स्टार्ट करना है, हमने सेल्स से ऑब्वियसली काम शुरू करना है, और फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर आना है, फिर उसके बाद हमने वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन में आना है, ठीक है। टू कैलकुलेट व्हाट, तो जब अब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से, तो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है जी। कैसे करेंगे, ऑब्वियसली बात है तीनों सालों का बनाना है ना, तो ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ये तीन आपने हेडिंग्स दे दी, ठीक है। ये तीन आपने कॉलम्स बना लिए, इसमें आप सारा काम कर लेंगे आराम से। सबसे पहला काम क्या होगा, सेल्स का। ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, इन तीनों सालों की सेल्स हम आराम से कर सकते हैं। आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है, आपको यूनिट सोल्ड गिवन है एक्चुअल, है ना, आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है 55। तो क्या करेंगे, 6000 मल्टीप्लाइड बाई 55, 8500 मल्टीप्लाइड बाई 55 और 12500 मल्टीप्लाइड बाई 55, इज दैट क्लियर। तो आपने इन तीनों चीजों को, इसकी मुझे वर्किंग होपफुली कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जनाब। तो ये तो यूनिट्स है, 6000 मल्टीप्लाइड बाय 55, 8500 मल्टीप्लाइड बाय 55 एंड 12500 मल्टीप्लाइड बाय 55, ये तीनों मैंने सालों का कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज है। तो ये यहाँ पे मैंने कर दिया यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 55, चले, ठीक है, ये काम हो गया। अब हमारे पास क्या हमने लेस करना है, अब हमने पहले लेस करना है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या आपका फॉर्मेट है, सबसे पहले तो आपने ओपनिंग स्टॉक लेना। अब हम ईयर बाय ईयर काम करेंगे, अब हम ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री का इकट्ठा नहीं करें, पहले हम, अब हम ईयर वन से स्टार्ट कर रहे हैं और पहले हम ईयर वन को कम्प्लीट करेंगे, फिर हम ईयर टू पर आएंगे, ठीक है। ईयर वन में ओपनिंग स्टॉक था जीरो, क्यों, क्योंकि ये आपके पहले तीन साल है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के, रिलेटेड द फर्स्ट थ्री इयर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। तो ईयर वन में तो इसका मतलब है कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ओपनिंग स्टॉक में मैंने कर दिया जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आपको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यस और नो। अब ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है जनाब। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में क्या क्या चीजें आती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, यूर इन मार्जिनल कॉस्टिंग राइट नाउ, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में अब हम क्या कहेंगे, एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने का कितना कॉस्ट आया है, 22 रुपीज पर यूनिट, यही तो कॉस्ट है। तो सिंपल, सिंपली स्पीकिंग मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या हो जाएगा, मैंने ईयर वन में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, यस। तो 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का कॉस्ट पर यूनिट मेरी कितनी आ रही है, 22 रुपीज, इज दैट क्लियर। और ये एवरी ईयर सेम है, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय 22 हर साल के लिए, है ना। तो मेरे पास क्या हो गया, 6000 मल्टीप्लाइड बाय 22 कितना हो गया, 1,32,000। अच्छा ये काम जो है ना, मैं एंड में एक डब्बा बना लूंगी इस वर्किंग के लिए, तो ये आपको इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। अभी हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने उसमें से क्या लेस करना है, फिर हमने उसमें से लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ईयर वन में भी जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए उतने सेल भी कर दिए,
कोई ओपनिंग स्टॉक तो था नहीं। 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 6,000 यूनिट सेल भी कर दिए ईयर वन में, तो इसका मतलब है देर इज नो क्लोजिंग स्टॉक एज वेल, कोई स्यापा ही नहीं, कोई मसला ही नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं अब इन तीनों फिगर्स को डाल रही हूँ एक डब्बे में, है ना। डब्बे में क्यों डाल रही हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये जो आंसर आएगा ये अल्टीमेटली सेल्स में से माइनस होना है ना, ये अल्टीमेटली क्या होना है, सेल्स में से माइनस होना है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक आंसर आता है पॉजिटिव 1,32,000, लेकिन ये फिगर अल्टीमेटली सेल्स में से माइनस होनी है, तो जब मैं डब्बे में रख के मैंने वर्किंग की और जो फाइनल आंसर आया मैंने यहाँ पे इसको लेस कर दिया, ठीक है। यू आर फेमिलियर विद द डब्बा, चलें गुड हो गया। ये करने के बाद आपके पास क्या आंसर आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आंसर आपके पास आता है, इसको हम कहते हैं क्या, ग्रॉस मार्जिन, है ना, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यस और नो। अब इसमें से क्या लेस होना है, लेस होना है वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा जी, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस में ऊपर आते हैं हम, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस उसने आपको बताई हुई है, वो है 4 रुपी पर यूनिट के हिसाब से। तो मुझे बात बताइए, ये 4 रुपीज अब आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, यूनिट सोल्ड से या यूनिट प्रोड्यूस से, इस साल तो इत्तफाक से वो सेम है, हाँ जी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट सोल्ड पर से करेंगे या यूनिट प्रोड्यूस से करेंगे, यूनिट सोल्ड से डेफिनेटली, वेरी गुड, ठीक है, अंडरस्टूड है ये बात। तो हम इसमें, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 4, तो जितने भी उस साल में यूनिट सोल्ड होंगे उसको आपने 4 जो है, दिस इज कॉन्स्टेंट एवरी ईयर, तो 4 रुपी पर यूनिट। तो यहाँ पे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो लेस होंगे वो होंगे 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। 1,98,000 में से जब 24,000 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा, दिस इज नाउ योर नेट कंट्रीब्यूशन, इज दैट क्लियर। ठीक है, ये जो आंसर आपके पास आया, दिस इज योर नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है, नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अब इसमें से आपने क्या लेस करना है, अल्टीमेटली आपने लेस करना है ऑल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, एक्चुअल बेसिस पे ऑब्वियसली बात है। अब लेस कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट, अब आपके पास पहले आप स्टार्ट करेंगे तो पहले तो आपके पास है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ये फिक्स्ड कॉस्ट है पहली, आपने लेनी है एक्चुअल लेनी है, बजटेड थोड़ी लेनी है। इनकम स्टेटमेंट, ये कल भी बात में मेंशन कर चुकी हूँ, जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो तो एक्चुअल एक्सपेंस के बेसिस पे होगा ना, एक्चुअल कॉस्ट आपको कितनी आई। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स है 1,50,000, फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स है 60,000, ये दोनों फिगर्स आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से कर देनी है माइनस। ओए यहाँ पे तो लॉस आ रहा है, ठीक है, ये आपने लेस कर दिया, ये आपके पास आ गया फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, इज दैट क्लियर। तो जब आप ये माइनस करते हैं, इसके अलावा कोई और फिक्स्ड अब एलिमेंट नहीं रहा, है ना, सारे वेरिएबल एलिमेंट्स आप ले गए ऊपर कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंदर, आपने ये चारों चीजों को कंसिडर कर लिया और फिक्स्ड जो एक्सपेंसेस हैं वो आपने नीचे कंसिडर कर लिए, तो जब आपने इसको माइनस किया तो वो चले इतफाक से क्या निकल रहा है, नेट लॉस निकल रहा है, ठीक है। 1,74,000 माइनस 150 माइनस 60,000, तो ये अब आपके पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इज दैट क्लियर। पॉजिटिव फिगर होगी तो नेट प्रॉफिट होगा, नेगेटिव फिगर होगी तो नेट लॉस। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई, यस और नो। 36,000 का नेट लॉस हम रिपोर्ट कर रहे हैं और ये सब चीजें ऑब्वियसली बात है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे आपने कर ली, ठीक है। चलें जी, अब आगे चलते हैं, अगले साल पर आते हैं। ईयर टू जब आया तो क्योंकि ईयर वन में कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, ठीक है जी, पूछिए क्वेश्चन, आप अपना क्वेश्चन टाइप करें, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। ईयर टू, ईयर वन में क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं था तो ईयर टू का ओपनिंग स्टॉक भी कुछ नहीं होगा, है ना। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं किस पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में क्या होगा। अब ईयर टू में आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ईयर टू में आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 10,000, ठीक है। नेट कंट्रीब्यूशन और नेट प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क क्या है, नेट कंट्रीब्यूशन और नेट प्रॉफिट या लॉस में फर्क है फिक्स्ड कॉस्ट का, फिक्स्ड कॉस्ट आपने माइनस नहीं की होती प्रॉफिट में से, तो वो कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस ना करें। और नेट प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स में से फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर लें और वेरिएबल कॉस्ट भी सारे माइनस कर लें, तो नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रॉफिट ही होता है, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना,
ग्रॉस प्रॉफिट होता है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट है। यहाँ पे सेल्स में से सारे वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लें एंटिटी के, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। चलें जी, यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं? 10,000। तो सिंपल हो गया, 10,000 × 22 है ना। तो ये मैंने क्या कर दिया, 10,000 × 22। अच्छा जी, अब हम आते हैं किसके ऊपर, ईयर टू में क्लोजिंग स्टॉक कितना है भी या नहीं, बताइए जरा कैलकुलेट करके। क्लोजिंग स्टॉक कितना है ईयर टू का? ओपनिंग स्टॉक तो था नहीं है ना, ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल सही है, 1500। ओपनिंग स्टॉक नहीं था, आपने ड्यूरिंग द ईयर 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और 8500 यूनिट्स सेल किए हैं, यानी कि 1500 यूनिट्स क्लोजिंग में पड़े हुए, और उन 1500 यूनिट्स के पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से 22 रुपी पर यूनिट। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ से क्या माइनस कर दिया, 1500 × 22, और इस पूरी चीज को मैंने किस में डाल दिया, डब्बे में डाल दिया है ना। अब मैंने इस पूरी चीज को डब्बे में डाल दिया, 2,20,000 − 33, जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर पॉजिटिव, यस और नो, वो आंसर आएगा पॉजिटिव, लेकिन आपने उसको अल्टीमेटली क्या करना है, सेल्स में से माइनस करना है। इज दैट क्लियर? तो 1,87,000 जो आंसर आ रहा है उसको सेल्स में से माइनस करना है, तो इसलिए मैंने उसको नेगेटिव, डब्बे के बाहर मैंने उसको नेगेटिव में बना दिया, डाल दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई सबको? ये करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा, सेल्स में से मैंने माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो मेरे पास आंसर आ गया, फॉर्मूला हो गया क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 22। बिल्कुल ठीक शाहजेब, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ओपनिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 22, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जी हर साल जो है वो कॉन्स्टेंट आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 22 यहाँ पे मेंशन कर दें, जहाँ पे हमने फॉर्मूलाज लिखे। ठीक है, तो क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 22, तो अब यहाँ पे इत्तेफाक से हर चीज 22 से ही मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमने क्या माइनस करना है, लेस करना है वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 4 से। यूनिट सोल्ड कितने करंट ईयर में, 8500। ठीक है, 8500 मल्टीप्लाइड बाय 4। चले जी, ये माइनस कर दिया, नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास आ गया 246,500। ठीक है, ये आपने यहाँ पे कर दिया, यहां तक बात सबको क्लियर हो गई, फॉलो कर रहे हैं। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 8500 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आपके पास नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 2,80,500 माइनस 34,000, 246,500। फिर आपने क्या करने हैं, करंट ईयर के कितने एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स पे, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स और फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स, वो आपने यहाँ पे कर दिया माइनस। ओहो, सवाल असल में ऐसा बन रहा है कि नेट लॉस ही आता जा रहा है, वो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, वो सवाल ही इत्तेफाक से ऐसा बन गया कि उसमें हर साल में नेट लॉस ही आ रहा है। ओयो, बढ़ गया नेट लॉस तो, चले खैर है, हम इस बात पे तो एनालिसिस नहीं कर रहे ना, हम इस बात पे तो एनालिसिस नहीं कर, एक काम करे, अगर मैं आपको क्वेश्चन में चेंज करने को कहूँ तो चलेगा? यहाँ पे ना फिक्स्ड ओवरहेड जरा कम कर ले, छोड़ देते हैं, चलें ठीक है, इसमें तो किसी को मसला नहीं है ना कि ये लॉस क्यों आ रहा है, बस आ रहा है तो आ रहा है, इसको रहने दें। ठीक है, प्रैक्टिस हमें मेन चीज तो ये करनी है ना कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन और ये क्या, कंफ्यूजन बस नहीं होनी चाहिए, लॉस आ रहा है तो खैर है उसको आने दें। ठीक है, हाँ ठीक है, ना करें तो ज्यादा बेहतर है। चले जी, आगे चलते हैं, ईयर थ्री में क्या होगा? ठीक है, ईयर थ्री में क्या होगा, ईयर थ्री में नहीं, ईयर थ्री का रहने दें, रहने ही दें इसको, होपफुली अल्लाह करे इसमें प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, ईयर थ्री बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन ना एग्जाम्पल बनाते हुए इसको सॉल्व नहीं किया था, मैंने बस चीजें मतलब रखी और मैंने कहा उसमें हमें कोई किसी को मैचिंग वैचिंग थोड़ी करनी है ना, तो उसको रहने दें। ईयर थ्री में क्या होगा, ईयर थ्री में ओपनिंग स्टॉक तो हो गया 33,000 है ना, सेम एज क्लोजिंग, ये तो रूल आपका हमेशा उसमें फॉलो होगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग हो गया, राइट। अब सीओजीएम क्या होगा, जल्दी से उसको कम्प्लीट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सिंपल है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 11,500। ठीक है, मुझे जल्दी से क्लोजिंग स्टॉक बताइए, 11,500 मल्टीप्लाइड बाय 22। जी, क्लोजिंग स्टॉक ईयर थ्री का कितना है? टू फाइव थ्री ट्रिपल जीरो कैसे आया, ओपनिंग स्टॉक एंड यूनिट्स थे 1500, यस वो भी लेने हैं है ना,
1500 यूनिट्स आपके पास साल के पहले दिन मौजूद थे, 11500 आपने मैन्युफैक्चर किए और 12500 सेल कर दिए, तो यूनिट्स में आते हैं तो 500 यूनिट्स आपके हैं क्लोजिंग स्टॉक में। 2530 आपने किसकी फिगर बताई है? ये तो आपने मुझे COGM बताया शायद। हाँ, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स थे 1500, 11500 फर्दर प्रोड्यूस किए और 12500 सेल कर दिए, तो पीछे बचे कितने? 500 यूनिट्स। वेरी गुड। तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 22, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका, ठीक है। माइनस करेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाई 22, जो आप वर्किंग करेंगे उसको आपने डाल दिया डब्बे में और जो फाइनल आंसर आया उसको आपने करना है माइनस, ठीक है। चले जी, उसको आपने माइनस करना है, तो ये आपने माइनस कर दिया सेल्स में से, तो कितना आपके पास आ रहा है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है दिस माइनस दिस, 412500, ठीक है। 412500 ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। फिर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? यूनिट सोल्ड है आपके पास 12500 और 4 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से आपके वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो आपने कर दिया 12500 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आपके पास आ गया 50,000। 50,000 आपने इसमें से लेस कर दिया ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से, तो आपके पास क्या आंसर आ गया? नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 362,500। यहाँ तक सब फॉलो करें, कॉपी करें, इजी पीजी राइट, कोई मसला ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, सब समझ आ रहा है, फॉर्मेट दिया हुआ है। आप लोग उस टाइम वही कंप्लेन कर रहे थे कि कोई फॉर्मेट्स नहीं होते, आ गए फॉर्मेट, अब कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। मार्जिनल एंड अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के सवाल अब आराम से सॉल्व हो जाने चाहिए, देखते हैं, चले डरा नहीं रही, प्रॉफिट आ गया, चले शुक्र है अगले आखिरी साल में प्रॉफिट है। चले जी, फिर आपने क्या लिया? फिक्स्ड एक्चुअल कॉस्ट, यस। फिक्स्ड खर्चे करंट या साल के एंटिटी के कितने हैं? फिक्स्ड खर्चे हैं 2.5 लाख और 1,10,000। चले गुड हो गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये करने के बाद जब आप नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से ये दोनों फिगर्स माइनस करते हैं तो चले शुक्र है जी, नेट प्रॉफिट आ रहा है, आपका मसला खत्म हो गया। मसला क्या था कि जी प्रॉफिट ही नहीं आ रहा था, अब आखिरी साल में प्रॉफिट आ गया 2500 का। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से ये आपके पास पोजिशन बन गई, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं जल्दी से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे, है ना। अब हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना है किस बेसिस पे, अब इसकी हेडिंग डाल दें। सेम सिनेरियो में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर कैसे होगा? सबसे पहले तो हमें वही करना है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट पहले निकालेंगे। अच्छा, एक्चुअल क्यों लेंगे, बजटेड क्यों लेंगे, मुझे बता दें, एक्चुअल क्यों नहीं लेंगे बेटा? साल का प्रॉफिट है, प्रॉफिट निकालना है, मेरा एक्सपेंस एक्चुअली कितना हुआ मैं वही लूंगी ना। मैं अगर आपसे पूछूं, हां जी आपने प्रॉफिट इस साल कितना कमाया, बजटेड आपका एफओएच है 1.5 लाख रुपए फिक्स्ड ओवरहेड, है ना। सिर्फ बजटेड फिक्स्ड एफओएच में मसला आ रहा था ना, कि उसमें एक्चुअल भी गिवन है, बजटेड भी गिवन है। तो मैं अगर आपसे पूछूं आज इस साल आपका प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप सेकंड ईयर में, फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर में एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने आए हैं? फिक्स्ड 2,75,000, बजटेड कितने थे? 1.5 लाख। तो अब मुझे आप बताइए जरा, प्रॉफिट कैलकुलेट करके जब मुझे बताएंगे तो आप 1.5 लाख रुपए के हिसाब से करेंगे। बजटेड तो इन्वेंट्री की कॉस्ट के लिए बेसिकली हम यूज करेंगे, मोहसिन अभी देखते हैं उसको, नहीं ना हसनैन? आप मुझे कहेंगे अच्छा जी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इतना आया, उसमें से मैं 1.5 लाख माइनस करके प्रॉफिट बता दूं, ये आप बताएंगे मुझे प्रॉफिट, नहीं ना। आप मुझे एक्चुअल बताएंगे ना, एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने आपने इनकर किए, वो तो 2,75,000 ही इनकर किए ना, तो आप वही माइनस करोगे ना प्रॉफिट में से। तो एक्चुअल इवन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक्सपेंसेस एक्चुअली माइनस होंगे सारे, किस तरीके से अभी देखते हैं, ठीक है। इवन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी खर्चे जो है वो आपके एक्चुअल बेसिस पे ही माइनस होंगे, लेकिन अब थोड़ी सी डिफरेंट तरीका, डिफरेंट थोड़ा हो जाएगा उसका। अच्छा जी,
कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल FOH तो आना ही आना है, ये तीनों चीजें तो आनी है, यस और नो? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये तीनों, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये तीनों चीजें तो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनती ही बनती हैं। इसके अलावा अब क्या होना है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एज वेल, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एज वेल। हाँ जी, यहाँ पे क्या रेट लेंगे पर यूनिट, क्या अमाउंट आएगी बताएं जरा। मैं अगर कहूँ कि जी मेरी इन्वेंट्री में फिक्स्ड ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट कितना जाएगा, कैलकुलेट कर रहे हैं सारे, क्वेश्चन सबके पास है, कितनी अमाउंट जाएगी जल्दी से बताएं। 150 रुपीज पर यूनिट। हसनैन कहाँ से कैलकुलेट किया 150 रुपीज पर यूनिट? टोटल नहीं ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ एक यूनिट में कितना जाएगा FOH, फिक्स्ड FOH। मुनीबा 35 कैसे आया बेटा? अब्दुल्ला 18.75 कैसे आया? फजीन 25 कैसे आया? एमन कह रही 18.75। 9 जाएगा FOH, 9 कहाँ से आया शाहजेब? 9 कहाँ से आया है? ईयर वन की बात कर रहे हैं, ईयर वन की बात कर रहे हैं। चले वैसे तो ये सारा कांस्टेंट रहेगा, मतलब तीनों सालों के लिए 25। सुंदर, हाउ डिड यू कैलकुलेट 5 + 4? शाहजेब 5 + 4 क्यों कर रहे हो बेटा? 5 तो वेरिएबल FOH है, 4 तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस है, ये फिक्स्ड FOH कहाँ से आ गया? टोटल कॉस्ट 80 कहाँ से आ गई? 25 अरसलान, 25 इज द राइट आंसर ना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड भूल गए, जायका लिमिटेड, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट क्या क्या होता है? प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज होगा। हाँ जी, वेरिएबल FOH तो आपके पास है ना पर यूनिट, वेरिएबल FOH पर यूनिट तो है 5, ये इसका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है वेरिएबल FOH का। फिक्स्ड FOH के अंदर वेरिएबल, सॉरी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, बजटेड FOH डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस। अब फिक्स्ड का सिर्फ हम ले लेते हैं, बजटेड फिक्स्ड FOH कितना है, इज 1,50,000 डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन या नॉर्मल कैपेसिटी, दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है ना। बजटेड प्रोडक्शन कितनी है आपकी, 8,000, इज दैट क्लियर? ओवरहेड का चैप्टर भूल गए। प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या चीजें जानी है, ये मैं सही ले रही हूँ? अच्छा, 25 इज नॉट द राइट आंसर, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 8,000, 18.75 इज द राइट आंसर, सॉरी 18.75 इज द राइट आंसर। बेटा 6,000 तो एक्चुअल है ना मुनीबा, 6,000 तो एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड है ना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में अप्लाइड फिगर लेनी है ना, मतलब वो आपने क्या लेना है, बजटेड FOH डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस, एक्चुअल नहीं लेंगे ना शाहरुख। ओवरहेड का चैप्टर, अल्फा बीटा गामा की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो क्या उसमें हम एक्चुअल लेते थे, भूल गए? अल्फा बीटा गामा की कॉस्ट पर यूनिट के लिए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज होता था, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, किस तरह से कैलकुलेट होगा? बजटेड फिक्स्ड FOH है 1,50,000, बजटेड प्रोडक्शन है 8,000, 25 मुझे लग रहा था कि इज द राइट आंसर, लेकिन कैलकुलेट करने के बाद 18.75 इज द राइट आंसर, इज दैट क्लियर? तो आपके पास कितनी अमाउंट हो रही है, क्या अमाउंट बन रही है आपकी,
40.75 per unit. Is that clear? Yes or no? ठीक है, चले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं. ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री. क्या सेल्स में कोई फर्क आएगा? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल्स में कोई फर्क नहीं आएगा. मोहम्मद शाहरुख बेटा, रिवाइज करने की शदीद जरूरत है. ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का ये फॉर्मूला है. What is the formula for OAR? Budgeted efforts divided by budgeted basis. Revise कीजिए please. चले जी, अब आते हैं जरा इनकम स्टेटमेंट पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की. बेटा नहीं है, बजटेड इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे, एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट है मोहसिन. ये किसने आपको कह दिया कि बजटेड इनकम स्टेटमेंट अलग बन रही है? ये एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट है. सेल्स आप एक्चुअल ले रहे हो, क्यों मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में बजटेड क्यों लिखवा दूं? है ही नहीं जब ये बजटेड. तो चले जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल्स से हमने काम स्टार्ट किया. पहला काम क्या करना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स में वही है, ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर. बिल्कुल नॉर्मल हमारा जो इनकम स्टेटमेंट होता है ना, जो नॉर्मल हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे बेस करता है. अब जरा इधर आ जाए, तसली रखें, थोड़ा सा हौसला रखें, समझ में आ जाएगा. करने तो दे पहले सवाल सॉल्व. कॉस्ट ऑफ सेल्स. चले जी, ओपनिंग स्टॉक अब हमारे पास क्या होगा? सिंपली स्पीकिंग ओपनिंग स्टॉक होगा हमारा ओपनिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 40.75. अब इस 40.75 में बाकी सारी फिगर्स एक्चुअल है, सिर्फ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज समथिंग जो कि बजटेड पे बेस कर रहा है. एग्जैक्टली शाहजेब, बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हो. ठीक है, जरा हौसला रखें, सॉल्व तो करने दें, फिर सवाल पूछिएगा ना. अभी हमने सवाल सॉल्व करना शुरू किया नहीं है, मैंने समझाना शुरू किया नहीं, और आप लोग ये तो गलत हो गया, ये तो ये होना चाहिए. रिलैक्स, अभी करते हैं, समझते हैं सारा कुछ, टेंशन नहीं लेने का. ठीक है, चले तो मुझे बात बताइए, ये एक्चुअल ही हो रहा है, ये एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट बन रहा है. इस इनकम स्टेटमेंट अभी तो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट आपसे कैलकुलेट करवाई है, मैंने इनकम स्टेटमेंट तो शुरू ही नहीं करवाया. चले आगे चलते हैं. ठीक है, वेरिएबल भी बजटेड पे ही हुआ है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वेरिएबल एक्चुअल सेम है. वेरिएबल में बजटेड और एक्चुअल सेम है. ठीक है मनीबा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इन्होंने 5 दिया हुआ है ना, ये ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट ही है. अब इन्होंने जो पीछे से जिस तरह से भी कैलकुलेट किया होगा, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. लेकिन वेरिएबल के अंदर बजटेड और एक्चुअल ओवरहेड मैच कर रहे हैं, ये हमारी बेसिक अजम्पशन है. बिल्कुल ये अजम्पशन होती है हमारी. ठीक है जी अरसलान, वेरिएंस जो है एक्चुअल और बजटेड में फर्क आएगा, एक्चुअल और अप्लाइड में फर्क आएगा सिर्फ वजह फिक्स के केस में. ठीक है, फिक्स ओवरहेड में. चले आगे चलते हैं. ओपनिंग स्टॉक पहले साल तो जीरो हो गया, ईयर वन में जीरो है. ठीक है, अगला आइटम क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. उसमें हमारे पास क्या होगा? यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय 40.75, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 40.75. अब मैं दोबारा से ये बात बता रही हूँ कि 40.75 में बाकी सारी चीजें एक्चुअल है, सिर्फ एक चीज है जो कि बजटेड पे बेस कर रही है, जो कि एक्चुअल से डिफरेंट है ना. 40.75 में 18.75 जो फिक्स ओवरहेड का रेट आप लेके गए हुए हो, वो बजटेड पे बेस कर रहा है, वो एक्चुअल पे बेस नहीं कर रहा है. यानी कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल एक्चुअल पे आ रही है, सिर्फ एक फिक्स्ड एफओएच है जो कि डिफरेंट आ रहा है फ्रॉम एक्चुअल. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगी बात? तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना अमाउंट है, इधर क्वेश्चन पर आ जाते हैं. यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 6000. ठीक है, 6000 मल्टीप्लाइड बाय 40.75. चले जी, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, 6000 मल्टीप्लाइड बाय 40.75, ये मेरे पास आ गया 244,500. और मैंने यहाँ पे क्या लेस करना है? क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है. मेरे पास क्या आएगा? क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 40.75, है ना. चले जी, कोई है ही नहीं, जीरो. तो मैंने इस पूरे वर्किंग को किया, डब्बे में डाला, और जो मेरा आंसर आया उसको मैंने सेल्स में से माइनस करना है. अभी मैं क्वेश्चंस नहीं ले रही, पहले सवाल सॉल्व करें, उसके बाद देखते हैं कि क्या समझ में आया क्या नहीं. ठीक है,
तो ये बेसिकली सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स अब आपने यहाँ से माइनस कर दी है, सो नो फिक्स प्लस वेरिएबल बोथ है ना। प्रोडक्शन रिलेटेड आपने सारी फिगर्स सेल्स में से माइनस की तो आपके पास जो आंसर आया ये ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है ना। ठीक है जनाब, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। चलें जी नीचे आते हैं, उसमें सब आपने क्या लेस करना है, अब आपने अदर एक्सपेंस, अच्छा अब यहाँ पे आपने पहले ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ओवर या अंडर अप्लाइड वाला काम करना है। अब यहाँ तक कॉपी करें, उसके बाद आगे चलते हैं। चले डन। नहीं जी इसको कंट्रीब्यूशन नहीं कहते, कंट्रीब्यूशन तो वो होता है जिसमें से सेल्स में से आप सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें। अभी हमने सेल्स में से जो फिगर माइनस किया उसमें फिक्स कॉस्ट भी तो है ना, 40.75 के हिसाब से आपने फिगर कैलकुलेट किया 244,500 की, और 244,500 में फिक्स एफओएच भी तो आ गया, तो एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो नहीं हुआ ना। चलें डन। थोड़ी सी जगह छोड़िए मतलब बाकी चीजों के लिए, 5-6 लाइनें छोड़ दें और वर्किंग पर आ दें। क्या फॉर्मूला था अंडर या ओवर अप्लाइड एफओएच का? ये था ना एक्चुअल एफओएच माइनस अप्लाइड एफओएच, बजटेड एफओएच भी नहीं अप्लाइड एफओएच। हाँ जी अप्लाइड एफओएच का क्या फॉर्मूला होता था? गलत अरसलान, एक्चुअल लेस अप्लाइड, बजटेड कहाँ। अप्लाइड एफओएच का क्या फॉर्मूला होता था? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड, अभी से भूल गए असलान, गलत बताया ना आपने। बजटेड तो माइनस, 1.5 लाख तो माइनस करने ही नहीं है, एक्चुअल अप्लाइड एफर्ट्स माइनस करने होते हैं। चले जी ईयर वन पर आ जाए। हाँ जी सबसे पहली बात तो ये है कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना है, हर साल सेम है ना, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 8,000 यानी कि वही 18.75, यस है ना। हर साल मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तो सेम ही रहेगा है ना, मेरे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इन तीनों सालों के क्या क्या है, 18.75। यहां तक बात सबको क्लियर होगी? ये मैं वर्किंग इकट्ठी आपको मतलब वो अलग अलग से करवा रही हूँ, ठीक है। चले जी हर साल का जरा मैं, अब फिक्स में ही मसला है ना, अप्लाइड फिक्स एफओएच। अब मैं ये कह रही हूँ कि वेरिएबल में कोई डिफरेंस नहीं है, वेरिएबल का कोई इश्यू है ही नहीं, हम फिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ओवर या अंडर अप्लाइड अराइज होता है फिक्स एफओएच की वजह से, तो अगर हमें बाइफिकेशन गिवन है ओवरहेड्स के अंदर फिक्स और वेरिएबल की, तो हम सिर्फ फिक्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पूरी एंटिटी का उस साल का ओवर या अंडर अप्लाइड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल एफओएच में मसला होता ही नहीं है कोई। अप्लाइड फिक्स एफओएच कितना है कैसे निकालेंगे? एक्चुअल बेसिस एक्चुअल प्रोडक्शन ईयर वन की मल्टीप्लाइड बाय 18.75, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है पहले साल में? पहले साल की प्रोडक्शन है 6,000, ठीक है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 6,000, तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देती हूँ, अप्लाइड एफओएच का क्या होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय ओएआर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 18.75। तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 18.75। दूसरे साल की प्रोडक्शन कितनी है कैलकुलेट कर लेते हैं, 10,000। तीसरे साल की प्रोडक्शन है 11,500, प्रोडक्शन पे के बेसिस पे है ना ये, 10,000 और 11,500। चलें जी तो ये हमने नीचे कर दिया, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 18.75 और 11,500 मल्टीप्लाइड बाय 18.75, ठीक है। यहां तक बात सबको क्लियर होगी? तो ईयर वन का अप्लाइड एफओएच इज 112,500, ईयर टू का 187,500 और 215,625। याद रखिएगा ओवर अंडर अप्लाइड के लिए हम बजटेड एफओएच से एक्चुअल को कंपेयर नहीं करते, अगर बजटेड से करते तो या तो फिर हर साल का 1,50,000 लिखा होना था, क्योंकि बजटेड एफओएच सवाल में गिवन है 1.5 लाख रुपए पर एनम, राइट। अब हमने उसको किससे कंपेयर करना है, अब हमने इसको कंपेयर करना है एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच से, ठीक है। अनस ये सवाल आपको ओवरहेड्स में पूछना चाहिए था, अब तो ये टाइम नहीं है इसका पूछने का,
ओवरएस के चैप्टर में हमने एग्जैक्टली यही सारे काम किए ना। एक्चुअल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री के कितने हैं? 1.5 लाख, 2,75,000 एंड 2,50,000। ये मैंने नीचे कॉपी कर लिया कंपैरिजन के लिए। हाँ जी, अब बताइए क्या पोजीशन है। ईयर वन पर आते हैं। ईयर वन में अप्लाइड एफओएच है 112,500, एक्चुअल एफओएच है, फिक्स्ड ओवरहेड्स है 1,50,000। मुझे बताइए ये अंडर है ओवर है, और कितना है? अंडर अप्लाइड है, वेरी गुड। मैंने डिफरेंस निकाला और मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, ठीक है? नीचे मैं लिख रही हूँ कि ये अंडर अप्लाइड है, यस और नो? तो 3,37,500 से हम ये कहेंगे ये अंडर अप्लाइड है। ईयर टू पर आते हैं। ईयर टू में एक्चुअल है 2,75,000, अप्लाइड है 1,875,000। हाँ जी, दोबारा से अंडर अप्लाइड, बिल्कुल ठीक। मैंने डिफरेंस लिखा, मैंने यहाँ पे अंडर अप्लाइड लिख दिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे तीसरे साल में एक्चुअल है 2,50,000, अप्लाइड है 215,625, 34,375। दोबारा से तीसरे साल में भी क्या सिनेरियो है? अंडर अप्लाइड, ठीक है ना? ये बात सबको समझ आ गई। तीनों सालों में ये अंडर अप्लाइड है, ठीक है? अब हम जरा ये समझते हैं कि अगर, खैर यहाँ पे इतफाक से ओवर अप्लाइड नहीं है, ठीक है? हम ये जरा देखते हैं कि अगर अंडर अप्लाइड होता है तो क्या करेंगे, ओवर अप्लाइड होता है तो क्या करेंगे, ये भी मैं सिर्फ आपको इसमें समझा दूंगी, ठीक है? चलें जी, हमारी वर्किंग हो गई, अब ऊपर चलते हैं। जरा पहले साल पर आते हैं, 37,500। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, ये कॉपी ना कीजिए, सिर्फ सुने। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर जो आप फिक्स्ड एफओएच लेके गए हैं, 40.75 के हिसाब से लेके गए हैं ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपने कैलकुलेट किया है 40.75 के हिसाब से। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सो फार आप एफओएच लेके गए हो, वो मतलब किस हिसाब से लेके गए हो? 18.75 के हिसाब से, यस और नो? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फिक्स्ड एफओएच गया है 18.75 के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल की मैं बात कर रही हूँ, पहले साल में यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं? 6,000। 6,000 इंटू 18.75 मैं करती हूँ तो वो आता है 112,500। मेरी बात गौर से सुनिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गया है उसमें जो फिक्स्ड एफओएच गया है वो गया है 112,500। मेरी बात समझ आ रही है? मैं इनकम स्टेटमेंट पर आती हूँ। 244,500 में जो फिक्स्ड एफओएच है वो गया है 112,500, जो अप्लाइड फिगर है, ठीक है? आपको तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है हर हाल में एक्चुअल कॉस्ट को यूज करके। तो मैंने सो फार सेल्स में से जो फिक्स्ड एफओएच माइनस किया है वो माइनस किया है 1,12,500। मेरी बात समझ आ रही है? मेरा जो इस साल का एक्चुअल एफओएच है वो तो 1.5 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कम फिगर माइनस की है अपने सेल्स में से, है ना? मैंने कम एक्सपेंस माइनस किया है, अप्लाइड फिगर कम है, तो इसका मतलब है कि सेल्स में से अभी तक सो फार फिक्स्ड एफओएच जो माइनस हुआ है वो माइनस हुआ है 1,12,500। हालांकि एक्चुअल एफओएच मेरा कितना है? इट्स 1,50,000। तो मुझे बात बताइए, मैं 37,500 जो डिफरेंस है, 37,500 अपने प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करूंगी या ऐड करूंगी? मजीद लेस करूंगी। मेरा कम एफओएच माइनस हुआ हुआ है, कम एक्सपेंस मेरा माइनस हुआ हुआ है, तो मैंने लेस करना है क्या? अंडर अप्लाइड। और अगर मेरा ओवर अप्लाई होता तो मैं ऐड करती। क्यों ऐड करती? मैं इसे समझा दूंगी ये, ठीक है? इत्तेफाक से ना ईयर वन में ओवर अप्लाइड है, ना ईयर टू में ओवर अप्लाइड है, ना ईयर थ्री में ओवर अप्लाइड है, तीनों में अंडर अप्लाइड ही है। तो जितनी भी अमाउंट आपने अंडर अप्लाई की है, अंडर माइनस की है, ठीक है, अंडर चार्ज की है, बेसिकली अंडर चार्ज किया ना, तो अब फर्दर हमें कितना चार्ज करना है? 37,500। तो प्रॉफिट में से वो मजीद माइनस होगा। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ये होता ओवर अप्लाइड, अब इसको जरा हम ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, ठीक है? अगर ये उल्टा होता, अगर फॉर एग्जाम्पल अप्लाइड एफओएच होता, फिक्स ओवरहेड होता 1.5 लाख,
उल्टा कर रही हूँ फिगर्स को, ठीक है। और एक्चुअल एफओएच होता पहले साल में 112,500। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, फिगर वही सेम है, फिगर वही 37,500 है, लेकिन इस केस में मैं ये कहती हूँ कि अब मैंने ओवर अप्लाई किया, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जो मेरी फिगर गई है फिक्स एफओएच की, वो कितनी गई है 1.5 लाख, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में 18.75 या जो भी हिसाब किताब होता है उसमें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में मेरा अप्लाइड एफओएच गया 1.5 लाख, लेकिन एक्चुअली तो मेरा एफओएच कितना है, फिक्स एफओएच मेरा 1,12,000 है। मैंने कम जो है वो अप्लाइड से कम एक्चुअली इनकर किया, तो प्रॉफिट तो एक्चुअल बेसिस पे होना चाहिए। इसका मतलब है कि मैंने सेल्स में से ज्यादा फिगर माइनस कर दी थी सीओजीएम के अंदर, अब मैंने 37,500 अब प्रॉफिट में एड बैक कर देना है। इज दैट क्लियर? तो अगर ये ओवर अप्लाइड का सिनेरियो होता है तो प्रॉफिट में वो अमाउंट ऐड करते हैं, ओवर अप्लाइड ऐड होता है। इत्तेफाक से यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जब हम ये कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में, हमने ये एडजस्टमेंट कर ली, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में हमने ये फिगर देख ली, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम कहेंगे कि जी एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। इसको हमने कह दिया कि दिस इज योर एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट, दैट्स इट। अब आपने क्या लेस करना है, लेस करना है आपने अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। और अदर एक्सपेंसेस में दो चीजें हैं, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट ही है, बिल्कुल एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कह दिया उसको, कोई बात नहीं है ये एक्चुअल, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अभी एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है एक्चुअल कॉस्ट को यूज करके, वो है 48,000, बिल्कुल सही है। चलें जी, अब क्या लेंगे, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। और फिक्स्ड एडमिन, तो आपको पता है यूनिट सोल्ड करंट ईयर में कितने थे, 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया। और फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर में कितने थे, वो आपके उतने ही होंगे 60,000, ठीक है, ये आपने यहां से माइनस कर दिया। इज दैट क्लियर? जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट आया वो आया 36,000 नेट लॉस। चलें, यहां तक सॉल्व कर लिया सबने, मार्जिनल का भी था, बिल्कुल। पहले हम तीनों सालों को सॉल्व करते हैं, फिर हम जरा इसका एनालिसिस करेंगे कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्यों है, ठीक है। जल्दी से ईयर टू को सॉल्व करते हैं, जल्दी से ईयर टू को सॉल्व करते हैं। ईयर टू में ओपनिंग स्टॉक नहीं जनाब, होमवर्क नहीं, ये मैं जरा खुद सॉल्व करवाऊंगी अभी। ईयर टू में ओपनिंग स्टॉक 0, ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास से 5 मिनट पहले मैं ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। ईयर टू में ओपनिंग स्टॉक आपके पास हो गया 0, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक नहीं था। अच्छा जी, सीओजीएम कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किस तरह से करेंगे, ईयर टू के यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं 10,000, है ना, ईयर टू के यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं 10,000। और अब आपने रेट क्या यूज करना है, 40.75, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 40.75, 407,500, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना है ईयर टू में, अगर आपको याद हो क्लोजिंग स्टॉक थे 1500 यूनिट्स, यूनिट्स में तो सेम रहेगा ना, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 40.75, ये बात सबको क्लियर होगी। ये वर्किंग मैंने डब्बे में डाली और जो आंसर मेरा आया मैंने उसको अल्टीमेटली माइनस करना है सेल्स में से, ठीक है। चलें जी, तो मेरा 346,375 आंसर आता है, मैंने उसको सेल्स में से माइनस करना है, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज नॉट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। फिर मैंने उसमें से क्या माइनस करना है, ईयर टू में भी अंडर अप्लाइड है, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से जो फिगर माइनस किया है वो माइनस किया 187,500, एक्चुअली कितनी है 275,000, यानी कि 87,500 के एफओएच अभी, फिक्स्ड एफओएच अभी तक चार्ज ही नहीं हुए, है ना, सीओजीएम के अंदर, तो आपने वो यहाँ पे चार्ज कर दिया टू प्रॉफिट, यस और नो। तो जब आपने ये किया तो आपका एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 33,625, इज दैट क्लियर? यहां तक बात सबको समझ आ गई? तो 33,625 आपके पास एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आपने अदर एक्सपेंसेस में क्या लेना है, वही वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस में क्या आएगा, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 4,
यूनिट सोल्ड आपके कितने हैं ईयर टू में? यूनिट सोल्ड है 8500, ठीक है, यूनिट सोल्ड है 8500, मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे और बाकी जो आपका एक्चुअल एडमिन फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स हैं वो है 1 लाख रुपीज, ये मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी कर लेने हैं, ठीक है, 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये दोनों फिगर्स मैं डाल लेती हूँ। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस है 8500 × 4 और ये आपके पास है 100,000। चले जी, जब आप निकालते हैं क्या चीज, नेट लॉस अब आपके पास आ रहा है कितना? नेट लॉस आ रहा है 1,375,000। क्या ये मार्जिनल कॉस्टिंग से मैच कर रहा है अब ईयर टू का? नहीं, ये क्या बात हो गई, पहले साल का तो मैच किया, दूसरे साल का मैच ही नहीं किया। अब जरा देखते हैं, इसको देखेंगे, सब सब देखेंगे, समझ आ जाएगा सब। जल्दी से ईयर थ्री पे भी आ जाए। ईयर थ्री पे जब हम आते हैं तो ओपनिंग स्टॉक तो वही हो गया पिछले साल का क्लोजिंग, 61,125, ठीक है, 61,125 हो गया ईयर थ्री का ओपनिंग स्टॉक। अगले साल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं? 11,500। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी होगी? 11,500 मल्टीप्लाइड बाय 40.75, ठीक है। ठीक है जनाब, ये कर लिया। अच्छा जी, ईयर थ्री में क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स थे 500, याद है ना, 500। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 40.75, ये आपने वर्किंग की डब्बे में डाली और जो फाइनल आंसर आया उसको हम कर देंगे माइनस, ठीक है। माइनस करने के बाद जो हमने सेल्स में से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 178,125। दोबारा से ईयर थ्री में भी क्या सिनेरियो था? अंडर अप्लाइड एफओएच था। कितना अंडर अप्लाइड था? 34,375। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आपने जो फिगर फिक्स्ड एफओएच की माइनस की है वो तो की है सेल्स में से 215,625, हालांकि एक्चुअली कितना है 2,50,000। तो 34,375 के फिक्स्ड एफओएच अभी तक चार्ज नहीं हुए थे, हमने चार्ज करके एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 143,750। इज दैट क्लियर? 143,750 में से अब आपने क्या माइनस करना है? वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, यूनिट सोल्ड है 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 4, 50,000। और फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? सवाल में गिवन है एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 1,10,000, ठीक है। तो अब आपने क्या माइनस कर दिया इसमें से? 1,10,000। चले, क्या आ रहा है यहाँ पे? 16,250 का ईयर थ्री में अगेन नेट लॉस आ रहा है और ये मार्जिनल कॉस्टिंग से डिफरेंट है। यहां तक बात सबको समझ आ गई? जल्दी से कॉपी करें। पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी हो गई कंप्लीट, जिसमें आपको इनकम स्टेटमेंट्स बनानी थी, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं अब दोनों में जो फर्क है वो क्या वजह है, फर्क की क्या वजह है वो जरा देखने जा रहे हैं। पेंट डाउन पहले सब समझेंगे और फिर हम रिक्वायरमेंट नंबर टू जो है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वो बनाएंगे, ठीक है। चलें जी, मार्जिनल एंड अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करते हुए जो प्रॉफिट्स कैलकुलेट हो रहे हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है इट इज बिकॉज ऑफ FIR 2 की क्लास है। अच्छा चले, एक काम करते हैं मंडे को ये कंटिन्यू करते हैं, आप लोग अपना होम असाइनमेंट लिख लें, आप लोगों ने सॉल्व करना है, इनकम स्टेटमेंट सिर्फ बनानी है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट रिकंसिलिएशन अभी तक हमने नहीं किया। आप लोगों ने क्लास वर्क नंबर 1 अटेम्प्ट करना है और उसके अंदर आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है मार्जिन और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे, जिस तरह से भी हमने किया, ठीक है। क्लास वर्क नंबर 1 होम असाइनमेंट, यू हैव टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट्स अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग।
और मंडे को आपका ओवरएस का टेस्ट भी है, तो इसलिए मैं इससे ज्यादा होम असाइनमेंट नहीं दे रही। ओवरएस का टेस्ट है मंडे को इंशाल्लाह, और क्लास वर्क नंबर वन, और सबने अटेम्प्ट करने ओवर एट, उनके मैं देखी थी लेबर के भी सबने अटेम्प्ट नहीं किए हुए, तो उसके ऊपर भी जरा आप लोगों की मैं कान खींचूंगी मंडे को, वो जरा चीज रह गई है बैक एंड पे। चलें ठीक है, यहीं तक रखते हैं, मंडे को फिर इंशाल्लाह ये डिफरेंस देखेंगे और एक दो और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और मेजर चीज है वो हमारी बस यही चीजें समझनी है, मार्जिन ऑफ ऑप्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस के रीजंस क्या हैं, दैट्स इट। चलें जी, कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए जी, फिर चैप्टर खत्म होगा, डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, मंडे को इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। This conference will now be recorded.